नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं मौसम विभाग अक्सर बरसात के मौसम में हाई अलर्ट जारी करता है, जैसे ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। क्या आपको पता है ये अलग अलग कलर्स के अलर्ट्स क्या होते हैं और किस कलर का अलर्ट किस टाइप के मौसम के लिए जारी किया जाता है? तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब बातों को बहुत कायदे से समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रीन अलर्ट की। दोस्तों आपको बता दें ग्रीन अलर्ट्स का मतलब होता है कोई खतरा नहीं, यानी खतरे से बाहर। इस टाइप के अलर्ट में दोस्तों बारिश तो होती है लेकिन सामान्य बारिश होती है बिना हवाओं के साथ। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ येलो अलर्ट की। येलो अलर्ट का दोस्तों मतलब होता है सचेत रहना। दोस्तों आपको बता दें इस टाइप के इस कलर के अलर्ट में जो बारिश है वो दोस्तों 7.5 से 15 mm तक होती है और इसी कारण दोस्तों बाढ़ आने की आशंका बनी रहती है। आपको बता दें दोस्तों जब बारिश ज़्यादा होने लगती है तो यही अलर्ट, यही दोस्तों येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट में अपडेट हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑरेंज अलर्ट की। दोस्तों ऑरेंज अलर्ट जब जारी किया जाता है जब मौसम अधिक खराब हो जाता है, यानी मौसम के अधिक खराब होने की आशंका हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस टाइप के अलर्ट में जो मौसम है दोस्तों वो यातायात और सड़क परिवहन को बाधित करने लगता है और दोस्तों जान माल की का भी दोस्तों खतरा बढ़ जाता है। और इस टाइप के दोस्तों अलर्ट में घरों से ना निकलने की हिदायत दी जाती है, सलाह दी जाती है। आपको बता दें दोस्तों इस टाइप के अलर्ट में जो है बारिश है दोस्तों वो 15 से का नाम हो 33 mm तक होती है और दोस्तों जो हवाएं हैं वो 65 से 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलती हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ रेड अलर्ट की। दोस्तों मौसम विभाग रेड अलर्ट तब जारी करता है जब मौसम बहुत अधिक खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है और दोस्तों इसमें नुकसान का अधिक खतरा बढ़ जाता है। और दोस्तों आपको बता दें इसमें तेज़ बारिश के साथ हवा की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। और आपको बता दें कि तूफान की रेंज में पड़ने वाले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।